फार्मा की क्लास लेने आया हूँ। इधर पर बैठे हम भी फाइनली हमको रखे हैं कि ये लगा दे मल्टीमीडिया चला दे। इसमें मेल वाला क्यों नहीं आ रहा, इसमें देखना मेल का ईमेल में से खोल लेना। मैम यहाँ पे लॉग इन आपके पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं? इसका कब है फार्मा का? इसका टेन सर। इसकी डेट चेंज हो गई है क्या? मुझे लगता है 12 है। क्योंकि कुछ लोगों का इश्यू बनना था उनकी वजह से शो चेंज कर दिया है। वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी मैम।
अच्छा ये जो है ये रह गया था कुछ थोड़ा सा स्लाइड्स रह गई थी एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स के अंदर, एंटी मलेरियल ड्रग्स पढ़ी थी और उसके बाद फिर एमीबेसिस पढ़ा था और ये अब जो है ये अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस है, इसको जो है स्लीपिंग सिकनेस डिजीजेस कहते हैं। ये जो है इट इज कॉज्ड बाय द हीमोफ्लैजुलेट्स। हीमोफ्लैजुलेट्स वो पैरासाइट्स हैं जो ह्यूमंस एज वेल एज अदर वर्टिब्रेट्स पर भी अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल जो इनकी वो है ट्राइपेनोसोमा ब्रुसाए रोडेसियंस और दूसरा ट्राइपेनोसोमा ब्रुसाए गैम्बियंस। द ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ सीसी फ्लाइज, इसमें जो टी साइलेंट होता है, सीसी फ्लाइज जीनस ग्लोसीना विच इनहेबिटेड शेड्स एरियाज अलोंग स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ये ज्यादा रिवर्स वगैरह पर ये होती है, ये पैरासाइट होता है और इसकी वजह से ये स्लीपिंग सिकनेस होती है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस इन द कॉन्गो, एनुअल इंसिडेंस एस्टिमेट्स आर अबाउट 1 लाख केसेस एंड 48,000 डेथ्स। फिर इसके बाद अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस चेगास डिजीजेस, ये इसका ज्यादातर इफेक्ट हार्ट के ऊपर होता है। इट इज कॉज्ड बाय द ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई, ये इसका पैरासाइट है जो करेगा। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इनका ट्रीटमेंट है। अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस ट्रीटमेंट इसका क्या है, सोरामाइन। ये सोरामाइन जो ड्रग है सबसे ड्रग ऑफ चॉइस है और पेंटामाइडीन इज इफेक्टिव ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस बट नॉट फॉर द लेट न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ विच मेलर्सपोरोल शुड बी यूज्ड। अच्छा आपको ये पूछा जा सकता है अर्ली और लेट फेज के अंदर लेट स्टेजेस में कौन सी ड्रग इफेक्टिव है, तो वो ये वाली है एफ्लोरनीथीन, लेकिन ज्यादा जो है सोरामाइन जो इसकी यूज की जाती है। अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस यानी जो चेगास डिजीज कर देती है, ये ट्रीटमेंट है प्रोलॉन्ग 1 to 3 months ट्रीटमेंट विद बेंजिनिडाजोल, बेंजिनिडाजोल और इसमें बेंजिनिडाजोल जो ये ड्रग है जो ज्यादातर यूज होती है, या फिर इसके लिए न्यूफ्रोटिमॉक्स यूज करते हैं, मे बी इफेक्टिव ड्रग्स। ये लेशमेनिया लेशमेनियासिस है, ये जो है ये इसके अंदर एग्जांपल्स दी हुई, इसको कैला एजर भी कहते हैं। लेशमेनियासिस बर्सिला लेशमेनियासिस इज कॉज्ड मेनली बाय लेशमेनिया दुनुवानी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ईस्ट अफ्रीका। इसका ट्रीटमेंट में ये जो पहली ड्रग लिखी है सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट, ये इम्पोर्टेंट है। मैग्लूमाइन एंटीमोनिएट, रेजिस्टेंट केसेस में बेनिफिट फ्रॉम कंबाइनिंग एंटीमोनियल्स विच विद, ये एंटीमोनियल्स हम जो है रेमिडीज जो यूज नेचुरल रेमिडीज उनको कहते हैं, विद एलोप्यूरिनॉल पेंटामाइडीन पेरोमोसिन और एम्फोटेरासिन बी। एम्फोटेरासिन बी अगर याद हो ये एंटी फंगल ड्रग है, तो इनके साथ कम्बिनेशन भी ये देते हैं। ये म्यूकोक्यूटेनियस जो जहां पर भी म्यूकोक्यूटेनियस साइट्स होंगी उनको अफेक्ट करेगा। क्यूटेनियस लेशमेनियासिस इज कॉज्ड मेनली बाय लेशमेनिया ट्रॉपिका लेशमेनिया मेजर एंड लेशमेनिया डोनोवानी। ट्रीटमेंट माइल्ड लीजन्स
heal spontaneously. Antimonials may be injected intra lesionally. जहाँ पर lesion होगी वहां पर ये remedies use करते हैं, inject कर देंगे. ये toxoplasmosis है. ये toxoplasmosis birds cats में होता है ज्यादातर. इसका जो आता है जब इम्यूनिटी लो हो जाए तो ये ज्यादातर अगर फूड या वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड है इस पैरासाइट से, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से, तो फिर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन्स या ट्रांसप्लांट जब होते हैं तब वो लोग ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं. और ये जो कैट कैट के थ्रू, ये कैट के अंदर ये पैरासाइट होता है, कैट की थ्रू जो है अगर फीसिस वगैरह या बर्ड केज या कैट की कोई ऐसा जब किसी ने पाल रखी है कैट, तो अक्सर इसका जो है माइक्रोबायोलॉजी में सिनेरियो आता है कि जी कैट पाली हुई थी, उसको उससे जो है प्रेग्नेंट वुमेन जो थी प्रेगनेंसी थी, और फिर उसके बाद जो है वो कौन सी उसको जो है वो बहुत सारी दी होती है उसमें पैरासाइट जो होते हैं उसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस. जब कैट का आता है तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने के चांसेस होते हैं. ये पैरासाइट कैट के अंदर होता है, इसलिए से डेफिनेट होस्ट जो है वो कैट है इसका, जो आगे ये ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट करने का सोर्स बनती है. टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई एंड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन इज फाउंड वर्ल्ड वाइड इन ह्यूमंस एंड इन मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. द डेफिनेटिव होस्ट आर कैट्स. ह्यूमंस आर इन्फेक्टेड after ingestion of cyst in raw or undercooked meat. Ingestion of oocyte is found in food and water contaminated by cats, transplacental transmission of trophozoites, or rarely direct inoculation of the trophozoites via blood transfusion or organ transplantation. या ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन होगा या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई भी होगी उस पेशेंट की, जिसको जो है ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाएगा, इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन. और उसमें जो भी कैट का जिक्र होगा, लेकिन आपके अगर एक सिनेरियो इस तरह का आया तो उसमें बताया हुआ होगा कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, अब ड्रग कौन सी यूज करेंगे. ये सारा साइकिल दिया हुआ है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. ये माइक्रोबायोलॉजी का साइकिल है, इसमें कैट था, रैट था, रैट को खाया, उसमें फीसिस के थ्रू सिस्ट जो है वो चली गई और जो है वो ट्रोपोजाइट बन गई, और फिर वो ह्यूमन बीइंग की फीसिस है, बाकी जगह कंटेमिनेशन करेगी. ये आप लोगों के लिए नहीं है. मोस्ट इन्फेक्शन आर सेल्फ लिमिटिंग इन द इम्यूनोलॉजिकली नॉर्मल पेशेंट्स. Pyrimethamine with sulfadiazine is used for treatment of chorioretinitis and active toxoplasmosis in immunodeficient patients. ये सारे जो भी immunodeficient patients होंगे, या उनका transplant हुआ होगा, या उनका जो है वो pregnancy होगी, या फिर जो होगा उनको कोई blood transfusion हुई भी होगी. Folinic acid is used to counteract the fatal megaloblastic anemia. इसमें जो है रेड ब्लड सेल्स जो होंगे लार्ज होते हैं और इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं. अल्टरनेटिवली इंक्लूड्स पैरामेथामाइन विद क्लिंडामाइसिन. क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक्स है, ये आगे जब अब नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक्स से शुरू करेंगे उसमें सारी हैं, क्लिंडामाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन. कम्बिनेशन में एंटी पैरा प्रोटोजोअल ड्रग को कम्बिनेशन में एंटीबायोटिक्स के साथ दिया है. Spiramycin is for the treatment of primary toxoplasmosis in pregnant women. Expert advice is essential during the pregnancy. अगर ये हो गया तो expert advice जरूरी है, क्योंकि ये fetal जो fetus है उसके लिए उसकी development में ये affect करती है toxoplasmosis जो होती है. Chorioretinitis कर देगी fetus के अंदर, उसका जो cornea और retina उसको affect करेगी eye के. बाकी ये जो है वो उसकी हेड ग्रोथ में भी इफेक्ट करती है. मेरे में इसमें माइक्रोसिफेली हो जाती है, यानी सर छोटा रह जाता है फीटस का. ह्यूमन ट्राइकोमोनियसिस मेट्रोनिडाजोल और रेटिनिडाजोल इज इफेक्टिव. ये जो है वेजाइना में, वेजाइना के है ये ह्यूमन, इसमें जो इचिंग सेंसेशंस होती हैं, डिस्चार्ज होता है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है. ह्यूमन ट्राइकोमोनियसिस कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ये इसका पैरासाइट है, सीन इन बोथ
females and males, usually females में होता है लेकिन males में भी हो सकता है. It is usually transmitted by intercourse. जितनी भी sexual diseases हैं वो दोनों में affect करती हैं. And is sometimes asymptomatic होती है. The symptomatic condition in females may take the form of severe vaginitis associated with discharge, whitish या grey yellowish सा discharge होगा females में, burning and pruritus, खारिश होती है वहाँ. In males, it may produce urethritis, enlargement of the prostate, and epididymitis. ये जार्डिया जार्डियसिस, ये इसकी एक पियर शेप्ड होता है ये देखें, और ये फ्लैजिला इसके होते हैं इस पैरासाइट के. ये इसकी जो है पियर शेप्ड ये होता है. It is a common infection of the human small intestine with the protozoan Giardia lamblia, spread via contaminated food or water or by direct person to person contact. Metronidazole is my drug of the choice. Uske alawa mepacrine or tinidazole, ye don drugs bhi dete hain. Ye aakhri slide hai. Acha ye isme आपने पढ़ा था कि दो होती है फॉर्म्स, या सिस्ट फॉर्म होगी या फिर ये अपने ट्रोफोजॉइट फॉर्म के अंदर होगा. ये इसकी पियर शेयर ट्रोफोजॉइट फॉर्म दिखाई दी है. इन्फेक्शन जो थी वो सिस्ट थी, जो कि इंजेक्ट हो रही थी, अंदर जा रही थी इंजेक्शन फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू. अब ये न्यूमोसिस्टाइटिस क्या होता है, इंटरस्टिशियल प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं उनमें निमोनिया उनमें हो जाता है, और ये ज्यादातर उनमें होगा जो एड्स पेशेंट होते हैं. अक्सर जो एड्स के पेशेंट होते हैं ये उनके लिए होते हैं. न्यूमोसिस्टस कैरिनाई जो पैरासाइट है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इंटरस्टीशियल प्लाज्मा सेल निमोनिया, विच कैन आल्सो कॉज एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीजेस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स. अच्छा, ट्रीटमेंट इसका इम्पोर्टेंट है. फोर ट्राइऑक्साजोल इंट्रावीनसली और पेरेंटल ओरली देंगे इन हाई डेली डोजेस. ये इसकी, और ये जब भी एड्स का जिक्र होगा तो वहां पर ये निमोसिस्टिस बहुत कॉमन है पेशेंट्स के अंदर, निमोनिया जो होता है. फिर क्वेश्चन हो किसी इससे रिलेटेड तो पूछ रहे हैं. फिर नेक्स्ट इसे का कोई क्वेश्चन है. आपका क्या नाम है, आप अपना नाम किसी उस पर लिख कर दे दो ताकि जब अटेंडेंस लगेगी तो मेरे पास रिकॉर्ड में रहता है. फिर अब जो शुरू करेंगे वह एंटीबायोटिक्स है, और एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, जो बैक्टीरिया होता है, जितनी भी माइक्रो और आप बस ये नाम बता दे तो मुझे याद रहेगा. एंटीबायोटिक्स जो है वो या तो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ही इफेक्टिव होती है. एंटीबायोटिक्स जो है ये वायरल इन्फेक्शन को कुछ नहीं कहेंगी, ये हमेशा जो है बैक्टीरिया को इफेक्ट करेंगी. बैक्टीरिया का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, उसमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अलावा उसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है. ये एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है. कौन सी ड्रग कहाँ पर इफेक्टिव है, ये इसकी सेल वॉल बाहर बताई हुई है. ये भी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है. अब ये फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बकायदा पढ़ेंगे. अब मेरे ख्याल में आपके पांच या चार पांच लेक्चर्स रह गए हैं वो इसी के एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड ही है. इसमें सेल वॉल सिंथेसिस है, ये अंदर वाली जो येलो आप देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, ये डीएनए बन रहा है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे, और ये राइबोसोम्स है जिसके राइबोसोम स्ट्रक्चर को दो सब यूनिट्स है इसकी, 50 और 30 S राइबोसोमल सब यूनिट्स, और ये दोनों मिलके 70 S टोटल बनाते हैं. ये 50 + 30 80 नहीं होता, 70 S राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं. 80 जो होता है वो फंगस के अंदर होता है उसके स्ट्रक्चर में.
अच्छा, अब ये डिफरेंट ड्रग्स एक्ट कर रही हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस है बैक्टीरिया की उसको अफेक्ट करती है पेंसिलिन। पेंसिलिन से ज्यादा मॉडिफाइड वेंकोमाइसिन है ड्रग ऑफ चॉइस, ये मॉडिफाइड उसकी है क्योंकि पेंसिलिन को भी अक्सर बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट होता है। इसके अलावा आइसोनियाज़िड्स और एथंबुटोल, ये दोनों जो है ये टीबी की ड्रग्स हैं। आइसोनियाज़िड्स और एथंबुटोल ये में आगे सब दिया हुआ है। अभी फिर आगे ये जो डीएनए को अफेक्ट करेगी, बैक्टीरियल डीएनए को, उसकी रेप्लिकेशन को रोकेगी, वो क्विनोलोन्स और मेट्रोनिडाजोल्स, ये ग्रुप्स हैं और इनके आगे मेंबर्स भी हैं ग्रुप्स के, क्लासिफिकेशन है। फर्दर आरएनए सिंथेसिस को, डीएनए को देखें, क्विनोलोन्स और मेट्रोनिडाजोल जो एंटी प्रोटोजोल ड्रग थी मेट्रोनिडाजोल जिसे फ्लैजल कहते हैं, वो बैक्टीरिया पर भी इफेक्टिव है और उसके डीएनए को अफेक्ट करती है। आरएनए सिंथेसिस में आर से रिलेटेड रिफेम्पीन है और ये भी जो टीबी की ड्रग्स है, और रिफाब्यूटीन है, ये दोनों आर आर से बनी हुई और आरएनए सिंथेसिस को अफेक्ट कर रही हैं। उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस को जो अफेक्ट कर रही हैं, उसके दो सब यूनिट्स थे राइबोसोम्स के, एक 30S राइबोसोमल सब यूनिट है और 50S राइबोसोमल सब यूनिट है। इसका एक मोनोमेरिक था, इसको याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए बुक्स के अंदर अक्सर दिया होता है कि बाय एट 30 एंड सेल एट 50। तो एट जो होगा ना, बाय एट 30, तो एट से दो ड्रग्स इन्होंने बताई हुई है, एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और दूसरा टेट्रासाइक्लिन ATAT। ये आगे जब पढ़ेंगे तो मैं इनके मेमोराइज करने वाले वो भी डाल दूंगी इसके स्लाइड्स के साथ। प्रोटीन सिंथेसिस 50S राइबोसोम पर जो अफेक्ट करेंगी ड्रग्स, 30 पर तो दो करती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन, और 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन। तो उसने कहा ना एट बाय एट 30 एंड सेल एट 50, तो सेल उसने लिखा CELL सेल, उसका मतलब है सी फॉर क्लोरामफेनिकोल, ई फॉर जो है वो मैक्रोलाइड्स के आगे जो क्लासिफिकेशन में एरिथ्रोमाइसिन भी इसी में आ जाता है, तो सेल क्लिंडामाइसिन, सी से उसने क्लिंडामाइसिन भी है। तो ये सारी ड्रग्स थोड़ा सा याद करने वाली, रट्टा लगाने वाली चीज है, लेकिन इनके आगे जब क्लासिफिकेशन रोज एक लेक्चर में जब एक एक पढ़ेंगे तो वो खुद ही याद होती जाएगी। अब जैसे ये एथंबुटोल है जो टीबी में यूज होती है ड्रग, तो ई फॉर एथंबुटोल, ई फॉर इसका साइड इफेक्ट है कि ये आई से रिलेटेड इसका साइड इफेक्ट है, इफेक्ट उसके ऊपर अफेक्ट कर जाती है। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि किल करेंगी या इनहिबिट करेंगी कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज को, सारों को नहीं करेंगी। जितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करेंगे उतनी ज्यादा वो एबल होगी टू किल और लिमिटेड द इफेक्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ज्यादा बैक्टीरिया पर वो इफेक्टिव होंगी। तो जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दैट आर एबल टू किल और इनहिबिट लिमिटेड स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन जी एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एग्जाम्पल्स हैं एम्पीसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। ये वैसे जनरली एक एग्जाम्पल बताई हुई चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक के, जब कोई पेशेंट आता है तो उसको क्लिनिकली डायग्नोज किया जाता है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसका देखा जाता है कि वो किस कंप्लेन के साथ आया है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल सिफिलिस की दी हुई है। सिफिलिस का बैक्टीरिया है ट्रेपोनीमा पैलेडियम, इसका बैक्टीरिया है ट्रेपोनीमा पैलेडियम जो है ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है सिफिलिस, और इसके थ्री फेजेस होते हैं, या शायद आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ी हो ये जो डिजीजेस है। तो इसके जो है ना पेशेंट आता है उसमें शैंकर, उसको जो शैंकर बना हुआ होता है उसके लीजन बनी हुई होती है, और फिर जब उनके ऊपर से सैंपल लेकर उसको माइक्रोस्कोपिकली इसकी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की जाती है, वो खास एक टेस्ट होता है इसका, उसमें वो नजर आते हैं ट्रेपोनीमा पैलेडियम जो बैक्टीरिया होता है। और फिर उसके बाद अगर हमें कंफर्म हो जाए कि सिफिलिस ही है तो फिर उसकी फार्माकोलॉजिकली हम देखेंगे कि क्या उसकी ड्रग्स ऑफ ड्रग क्या देंगे उसको, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस देखेंगे फिर। तो एक ये सारी चीजें जो फार्माकोलॉजी है वो डिपेंडेंट है माइक्रोबायोलॉजिकली, पहले देखते हैं हम, और उसके अलावा क्लिनिकली पेशेंट को देखते हैं, उसकी हिस्ट्री लेकर, उसके
साइंस एंड सिम्टम्स, उसकी कंप्लेन, उसकी फिर फैमिली हिस्ट्री, उसकी कोई और लीजन जो है वो कहाँ पर है, साइट ऑफ द लीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बैक्टीरियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एडवांटेजेस द एग्जैक्ट एंटीबायोटिक्स टू बी यूज्ड. अब हमें अगर बैक्टीरियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पता है कि ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व है तो हम उसके एग्जैक्ट एंटीबायोटिक यूज करेंगे. द मोस्ट इफेक्टिव एंड रिजेक्ट द वन विद लिटिल और नो एक्टिविटी. अगर हमें पता है कि भाई ये बीमारी है, जैसे हमने डायग्नोज कर लिया पेशेंट को टीबी है, तो हम सारी वो ड्रग्स देंगे कि जो टीबी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स होंगी, और हम वो ड्रग नहीं देंगे जो एंटी टीबी ड्रग्स होंगी वही इफेक्टिव होंगी. उसके अलावा लीस्ट टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स कम होंगे, टॉक्सिसिटी नहीं होगी, और हमने जो अपना रखना है वो पेशेंट के उसके सोशल इकोनॉमिकल बजट को रख कर उसे रिकमेंड करते हैं कोई भी ड्रग, वो उसके लिए चीपेस्ट हो. ये ना हो कि बहुत महंगी ड्रग उसे रिकमेंड कर दी तो वो ले ही नहीं सकता, अफोर्डेबिलिटी देखते हैं पेशेंट की. लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि जब लैब के अंदर कोई टेस्ट हो रहा होता है तो उसकी क्या होता है, डू नॉट पैरेलल इन वीवो सेंसिटिविटी, कि हम जो बिल्कुल ही क्लिनिकल और जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं दोनों मुख्तलिफ दो उस तरह हो जाते हैं. या तो ये होता है कि क्लिनिकली हमने लेबोरेटरी टेस्ट करने को दे दिया, अब पेशेंट को इतना महंगा टेस्ट है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सका, वो लेबोरेटरी गया ही नहीं, या अगर वो लेबोरेटरी चला गया है तो उसके टेस्ट आने में इतने टाइम लग रहा है कि वो इतना वेट नहीं कर सकते. या फिर ये होता है कि जैसे ये इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका कल्चर बनते बनते उसमें टाइम लगता है, यानी हमने जब सैंपल के अंदर से उसको निकाल लिया, लीजन निकाल लिया, उसकी स्लाइड बनाएंगे या उसका कल्चर करेंगे तो उसमें ग्रो करने में कल्चर में काफ़ी टाइम लग जाता है. बैक्टीरियोलॉजिकल सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल एट ऑल हॉस्पिटल्स, सारे हॉस्पिटल्स जो हैं उनके साथ लैब्स नहीं होती, उनको बाहर रेफर करना पड़ता है पेशेंट को. और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जैसे आपने देखा होगा पीसीआर का टेस्ट है, वो हर जगह नहीं हो रहा, जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड किस्म के जरा बड़े टेस्ट होते हैं उनमें टाइम लगता है, पीसीआर में भी काफ़ी दिन लग जाते हैं उसके रिजल्ट आने में. तो इसी तरह जो है वो हर टेस्ट हर लेबॉरटरी में होना पॉसिबल नहीं होता, स्पेशल लेबॉरटरीज होती हैं. चॉइसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स फार्माकोलॉजिकल कंसिडरेशन, मतलब देखते हैं कि साइट ऑफ इन्फेक्शन का है, होस्ट की इम्यूनिटी देखनी है कि जो पेशेंट है वो अल्कोहलिक है, वो डायबिटिक है, एचआईवी है, मेल न्यूट्रिशन है या उसकी एडवांस्ड एज है, ये सारे वो सर्कमस्टांसिस होते हैं जिनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी लो होती है. तो जब इम्यूनिटी लो होती है तो हमें डोजेस कंपेरेटिव टू द नॉर्मल पीपल हमें थोड़ी सी ज़्यादा डोजेज देनी पड़ती है. जेनेटिक फैक्टर्स देखने के पेशेंट को कोई उसे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर उसको ही कोई ऐसी है कि उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती तो आप उसको एस्प्रिन डिस्प्रिन नहीं दे देंगे. ठीक है, पेशेंट विद ग्लूकोज 6 पीडी डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो कि ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर को मेनटेन रखता है, अगर उसकी डेफिशेंसी है तो ट्रीटेड विद सल्फोनामाइड्स एंड क्लोरामफेनिकॉल, ऐसी ड्रग्स नहीं देनी कि वो हीमोफिलिस हीमोलाइसिस कर दे, वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर दे, ब्रेक डाउन कर दे उनका. इसी तरह दी हुई है कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर और लैक्टेटिंग मदर्स, जो मदर्स अपने बच्चों को दूध दे रही हैं अपना, उनके अंदर एमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे दिए तो हियरिंग लॉस हो सकती है. टेट्रासाइक्लिन दे दिए अगर फीटस का फीटस प्रेगनेंसी है तो फीटस को अफेक्ट कर सकती है, बोन डिफॉर्मिटी कर देती है, और ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये डिसकलरेशन ऑफ टीथ कर देगी, सबसे बड़ा इसका ये डिसएडवांटेज है. अच्छा, एज ऑफ द पेशेंट देनी है, क्योंकि क्लोरामफेनिकॉल जो इसका ये आगे सारी ड्रग्स हैं इनके साइड इफेक्ट सारे बताए हुए, ये बहुत अगर आज क्लोरामफेनिकॉल जो है ये ग्रे बेबी सिंड्रोम बेबीज में कर देती है. ऐसी ड्रग अमाइनोग्लाइकोसाइड्स अगर रेनल फंक्शन जिनका इफेक्टिव है उनको दे देंगे तो किडनी फंक्शन नहीं सही करी तो वो रेनल फेलियर कर देगी. इसके अलावा एथ्रोमाइसिन नहीं देंगे क्योंकि लिवर फेलियर कर देगी, लिवर फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं है तो उसमें देंगे. और अगर आप कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें जो है पुअर परफ्यूजन, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो उसके भी अकॉर्डिंग टू द उसकी जो है हिस्ट्री और उसका सब कुछ देकर उसके लिए डोज भी तभी सिलेक्ट करनी है और ड्रग कौन सी यूज करनी है वो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे.
कोई भी पेशेंट अगर वो किसी भी ड्रग के अगेंस्ट एलर्जिक है वो कभी नहीं देंगे. अगर आपने दे दिया जैसे है तो पेंसिलिन पहले टेस्ट की जाती है कि दे भी सकते हैं पेशेंट को, फोर आर्म पर उसको देखा जाता है पहले, इंजेक्ट थोड़ी सी करते हैं, क्योंकि अगर वो दे दी है तो वो ड्रग क्या है एज अ फॉरन लेगा, जो आपकी बॉडी है वो कहेगी ये फॉरन चीज आ गई है कोई, और वो इतना एग्रेसिव हो जाएगा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट कि वो जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी शो करेगा. ड्रग सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोरामफेनिकोल एक जो है ये एप्लास्टिक एनीमिया भी कॉज कर रही है, सारे साइड इफेक्ट्स उनके दिए हुए हैं. एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है कि जब आपके सेल्स जो होते हैं बोन मैरो में जो बन रहे हैं वो सारे उनके नंबर ऑफ द सेल्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है. फ्लोरोक्विनोलोन्स इन चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी में टेंडन्स जो होते हैं बॉडी में उनको डैमेज कर सकता है. द कॉस्ट ऑफ थेरेपी, हमें देखकर थेरेपी रिकमेंड करनी है कि पेशेंट अफोर्डेबल है कि नहीं है. अब ये तो सारी ड्रग्स थी जिनके साथ उनके थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट्स लिख दिए हैं और पहले बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बता दिया. अब बैक्टीरिया क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है. उसमें सब क्या कह सकता है, इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक बाय द एंजाइम प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, यानी ड्रग दे दी अब उसके अगेंस्ट वो जो है एंजाइम्स ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है कि वो ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गया है. इसके अलावा रिड्यूस बैक्टीरियल परमेबिलिटी टू एंटीबायोटिक्स, वो ऐसे अब एंटीबायोटिक को अंदर आने नहीं दे रहा, परमेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है. बैक्टीरियल डिवेलप्स एन अल्टरनेटिव रिसेप्टर फॉर द ड्रग, ड्रग के लिए वो जहां पर ड्रग ने जाकर अफेक्ट करना था बैक्टीरिया वहां नहीं होने दे रहा और रिसेप्टर्स बना रही है जहां से ड्रग जाकर वहां बाइंड कर जाएगी. बैक्टीरियल म्यूटेशंस, वो जेनेटिकली चेंज हो जाएगा. अगर एक ड्रग जैसे अभी उस दिन जो बताया था वैक्सीन, वायरस भी यही करता है, सेम वही चीजें बैक्टीरिया भी करता है. अब यही वजह है ना कि हालांकि जो टीबी है वो इतनी पुरानी चली आ रही है लेकिन अब भी जो है टीबी ये जो केपीके में बहुत ज्यादा है, अंदरूने जो आप चले जाएं तो बहुत ज्यादा है. उसकी वजह ये कि जब तक वो पता खांसते रहते हैं, स्पूटम होता रहता है, उनको सब कुछ होता रहता है लेकिन वो चेक नहीं करवाते. और दूसरा ये कि ये जो लेटेंट फेज में बैक्टीरिया जाकर छुप जाता है टीबी का, तो और इसका ट्रीटमेंट भी प्रोलॉन्ग होता है, पेशेंट लेता नहीं है. कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स भी दे रहे हैं क्योंकि इसमें टीबी जो है बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंस शो करता है, तो इसलिए रिकमेंड करते हैं कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स. 9 महीने का या 6 महीने का इसका ट्रीटमेंट होता है, ज्यादातर 9 महीने का होता है. तो फिर वो उसमें भी यही होता है कि बैक्टीरिया जो है मैक्रोफेज के अंदर चला जाता है और मैक्रोफेज को फिर आगे जो उसकी किलिंग है बैक्टीरिया की वो नहीं करने देता. उसमें लाइसोसोम्स जो होते हैं मैक्रोफेज के अंदर और जो परऑक्सीडेज है वो आपस में मिलके एंजाइम स्ट्रक्चर दोनों मिलते हैं और उसकी किलिंग करते हैं वहां पर, वो स्ट्रक्चर मिलने नहीं देता, वो बैक्टीरिया छुपा रहता है मैक्रोफेजिस के अंदर, मैक्रोफेज को किलिंग नहीं करने दे रहा. उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यूज एंटीबायोटिक्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, यूज एंटीबायोटिक्स इन एडिक्वेट डोजेज फॉर सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट टू ब्रीफ थेरेपी, नॉट टू प्रोलॉन्ग थेरेपी. बहुत लंबी थेरेपी देंगे तब भी रेजिस्टेंस शो कर लेगा बैक्टीरिया, अफेक्टिव ही नहीं रहेगी वो. कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स में बी रिक्वायर्ड टू डिले द रेजिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल टीबी, टीबी का जो ट्रीटमेंट है बहुत लंबा चलता है. इसमें अब बताया जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी, एडमिनिस्टर ड्रग इन फुल डोज एट प्रॉपर इंटरवल्स एंड बाय द बेस्ट रूट. व्हेन अपेरेंट क्योर अचीव्ड, कंटिन्यू एंटीबायोटिक फॉर अबाउट 3 डेज फर्दर टू अवॉइड द रिलैप्स, के दोबारा ना हो. स्कीपिंग डोजेस मे डिक्रीज एफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस. अगर स्किप कर देंगे डोज, या डोज का एक आपने वो पढ़ा होगा कि हाफ लाइफ होती है डोज का एक, वो फिर अब आप टाइम पर नहीं ले रहे तो वो भी इफेक्टिव नहीं रहेगी फिर, कि सुबह ले लिए तो अगली सुबह लेनी थी आपने ली नहीं, कि चलो शाम को ले लेंगे. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी, इंडिकेशंस फॉर एंटीबायोटिक कम्बिनेशन, अगर कोई मिक्सड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एरोब्स और एनएरोब्स का दोनों का, या इस तरह का कोई इन्फेक्शन है तो फिर आपके उसके लिए मिक्स्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन देंगे.
अच्छा, अगर इन पेशेंट्स ऑफ अननोन एटियोलॉजी पता नहीं चल रहा तो उसमें भी मिक्स्ड जो आप एंटीबायोटिक कम्बिनेशन में दे देंगे, प्रिवेंट इमरजेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। और ख्याल ये रखना है कि जो आप एंटीबायोटिक कम्बिनेशन में दे रहे हैं उनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो। या कभी कभी ये होता है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि सेंसिटिविटी टॉक्सिसिटी बैक्टीरिया कम्बिनेशन में देने के बावजूद रेजिस्टेंस शो कर देता है, और कभी कभी एंटागोनाइजिंग इफेक्ट्स होता है। एंटागोनिज्म पता है क्या होता है, सिनर्जिज्म एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म यस मैम। पता है ना, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सिनर्जिस्टिक जी इफेक्ट मैम। होगा, पॉजिटिव इफेक्ट। एंटागोनाइज जब वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ब्लॉक करेंगे रिस्पॉन्स को, एंटागोनाइजिंग इफेक्ट। और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लेना जो है वो महंगा पड़ता है पेशेंट को। बस यही तर था। इसमें मेरे ख्याल में एक स्लाइड मैंने शायद छोड़ दी है, ये जनरल बातें बताई। ये इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो ये जो एक ये इम्पोर्टेंट है, ये है कि सेल वॉल पर कौन सी इफेक्टिव है, डीएनए पर कौन सी इफेक्टिव है, क्योंकि मैकेनिज्म है ड्रग्स का। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो इसमें ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, तो इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, पेंसिलिन, ये जब एक एक करके पढ़ेंगे तो उनमें भी लिखा हुआ होगा इनका, आई एम श्योर। अच्छा, ये बताया हुआ है कि सेल वॉल को इनहिबिट पेंसिलिन जो है ये सेल वॉल के ऊपर इफेक्ट करेंगी, जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल सेंथेसिस नहीं होने देती। मैक्रोलाइड्स ये प्रोटीन सेंथेसिस पर इफेक्ट करेंगी। क्विनोलोन्स हैं तो न्यूक्लिक एसिड सेंथेसिस न्यूक्लियोटाइड्स पर इफेक्ट करेंगी। एंटी मेटाबोलाइट्स इंटरफेयर विद वन और मोर एंजाइम नेसेसरी फॉर डीएनए सेंथेसिस, जैसे सल्फोनामाइड्स वगैरह है, ये जब बैक्टीरिया के अंदर डीएनए उसका बन रहा होगा तो ये तब अफेक्ट करेंगे। ये ड्रग्स उसके जो डीएनए सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स चाहिए होंगे उनके ऊपर इफेक्ट करेंगी। और एक ये था, ये इसने बताया हुआ कि बैक्टीरियोसीडल इफेक्ट होता है और बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होता है। स्टैटिक के वो स्टेसिस रुक गया, ठीक है, इनहिबिट द ग्रोइंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, और दूसरा बिल्कुल किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया। तो कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो स्टैटिक होती हैं, कुछ बैक्टीरियोसीडल ड्रग्स होती हैं, यानी एक बैक्टीरियोसीडल जो सिरे से उनको किल कर देती हैं बैक्टीरिया को, और जो स्टैटिक होंगी वो उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करेंगी। और आखिरी बात ये बताई भी कि एंटीबायोटिक्स जो है ये इन्फेक्शन जो वायरल इन्फेक्शन होंगे उनमें देने का कोई फायदा नहीं है, एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई है? इसकी आगे जो है ना वो डिटेल्स ही है इनकी सबकी, थोड़ी थोड़ी बताई हुई है, तो वो आप जब पढ़ेंगे ना साथ वो ये इम्पोर्टेंट इन डिटेल्स। जैसे आपको ये आ सकता है ग्रे बेबी सिंड्रोम किसमें हो जाता है, क्लोरम्फेनिकॉल में हो जाता है, ये चीजें बस थोड़ी थोड़ी आगे लिखी हुई है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई क्वेश्चन? अच्छा, आपके एमसीक्यू होंगे चाहे वो 30 हो चाहे वो 40 हो, अगर 40 बन जाते हैं तो फिर तो आपका टीचर एक 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 नंबर का एमसीक्यू होगा, लेकिन अगर 25 ही रहते हैं तो फिर 2 नंबर का एक एमसीक्यू होगा, होंगे एमसीक्यू से। और 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर 30 हैं तो 40 मिनट्स मिल जाएंगे, 40 हैं तो 50 मिनट्स। और याद रखिए उसमें शफलिंग होगी, ये नहीं कि पूछ लें। 40 मैंने जो ए बैच का बना लिया उनके 40 दिए हैं, तो आपके मैं कोशिश करूंगी 40, क्योंकि 40 उन्होंने कहा है कि पेपर जो है 40 का होना चाहिए, तो एक नंबर का टीचर एक। जी बोले। टीचर मैं हमने आपसे कहना था कि लेक्चर जो है वो काफी लेंथी लेंथी है, जिसकी वजह से मैम पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो मैम आपने क्विज वाला बीच में इंक्लूड किया है, लेकिन मैम एक ना मैम अम्तुल अंसारी हैं, उन्होंने 5 to 10 लेक्चर्स कर दिए हैं, क्योंकि उनके भी लेक्चर्स काफी लेंथी हैं। तो मैम हमें भी आप 5 to 10 दे दें, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। मैम हमारे बैक टू बैक एग्जाम्स भी हैं प्लीज मैम। कोई वेकेशन नहीं और है दिन मैम में दो दो हमें। पेपर भी हैं। आप ऐसा करें, इम्यूनो सप्रेसर से पीछे की तरफ चलना शुरू करें, ठीक है, मैं पूछ लूंगी। बाकी जो है अब आई एम श्योर डॉक्टर खुरम तो नहीं करेंगे मैम वो डॉक्टर तो। खुरम जो है वो तो वैसे फार्मासिस्ट है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी टीचर्स जो हमारे फील्ड को समझते हैं वो हम लोगों को कॉपरेट करते हैं। जैसे डॉक्टर अमतुल अंसारी हैं, वो भी फार्मा पढ़ा रही हैं लेकिन वो लिसन करती हैं बच्चों को आपकी तरह।
मैम फार्मा वन में भी यही हुआ था कि टीचर ने हम लोगों को सिर्फ ये कहा था कि चलो बेटा ड्रग्स और उनके बेसिक फंक्शन याद कर लो, आप लोगों ने कौन सा ड्रग्स वगैरह किसी को यस टीचर इतना ज्यादा नहीं दिया कभी भी किसी ने। आपने स्लाइड्स पे इम्यूनोसप्रेसेंट से पढ़ना शुरू कर दें पीछे की तरफ, डायबिटीज वगैरह अगर आपको पिछला वाला खत्म भी कर दिया तो ये ना हो कि फिर आपको फायदा ना हो, मैं पूछ लूं और अगर आपके एमसीक्यूज बन जाए उस वो आपने पढ़ा हुआ तो है ना थायराइड वगैरह, उसको जस्ट एक गो थ्रू कर लें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मतलब आपको अगर आपने एक दफा थॉरली पढ़ लें तो एमसीक्यूज आपके हो जाते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि यही इसका सही आंसर लग रहा है। और कोई मैम हमें डेज नहीं मिले ना जिसकी वजह से हम लोगों को इतना मसला हो रहा है, हम सारे सब्जेक्ट्स को कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लें तो मैम वो इतना ज्यादा बर्डन हो गया एकदम ही। अच्छा फिर ऐसा करेंगे सैटरडे को मॉर्निंग वालों ने भी कहा कि हमें थोड़ा ना गाइड कर दें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे कोई स्टूडेंट था मुझे नहीं पता डी का या ई बैच का, उसने पिक्चर भेजी है टेबल्स की कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, तो टेबल्स अगर कोई इस तरह की डोजेज वगैरह है तो मैं डोज नहीं दूंगी ठीक है। ज्यादातर मैं सॉल्ट का पता होना चाहिए, अगर आपको सॉल्ट का पता होता है तो आप ब्रांड नेम से अंदाजा लग जाता है हर दवाई के नीचे उसका सॉल्ट लिखा होता है। इम्पोर्टेंट बता दें सैटरडे वाले दिन ना, क्योंकि मैं तब तक थोड़ा गो थ्रू हो जाऊं कि आपके क्या क्या स्लाइड्स हैं अब मुझे देखनी पड़ेंगी एक दफा, तो फिर मैं आपको सैटरडे को बता दूंगी। बहुत शुक्रिया टीचर आपका। तब तक वो मैं एमसीक्यूज भी बना लूंगी, मैं वैसे इतना आप लोग को शायद पहला जो हुआ था टेस्ट और जो असाइनमेंट थी वो इतनी मुश्किल तो नहीं थी मुझे तो इसी तरह मुझे बट मैम हम लोगों को बेसिकली फार्माकोलॉजी का वो इतना नहीं ना होता कि हम लोगों को ड्रग्स की साइंस वगैरह इतनी समझ नहीं आती इसलिए वो थोड़ा हो जाता है। अगर हम लोग वो सिंपलली कर लेंगे इस ड्रग का ये फंक्शन है यहाँ पे यूज होती है इतना हम लोग कर लें तो वो हो जाता है हम लोगों से। अच्छा अब देखिए दूसरा ये कि अब जब आपका मिड हो जाएगा ना वाइवास वगैरह हो जाएंगे तो उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का रखें टेस्ट, ताकि जब आपका फाइनल हो तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी अटेम्प्ट करने आते हो ठीक है। उसके लिए ये होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का सिर्फ होगा और उसका 10% रखी जाएगी 10% ठीक है, उसमें तीन या चार उसके अकॉर्डिंगली दे देंगे, पांच पांच नंबर के छोटे छोटे जैसे असाइनमेंट में दिए थे कि आपको तो आंसर एक दो लाइन में लिखना होगा दो या तीन नंबर का होगा, इस तरह के कर लें क्योंकि इससे फायदा हो जाएगा। एक तो आपको पता चल जाएगा कितने जितने आप टेस्ट ज्यादा देते हो उतना ज्यादा आप जो है वो आपके लिए फायदा होता है ठीक है। आपका सेमेस्टर वाइज है तो इतने तो टेस्ट नहीं कंडक्ट कर सकते जितना एनुअली कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि आप लोग के बिफोर अगस्त जो है वो सारे लेक्चर्स खत्म हो जाए, उसके बाद जो स्टूडेंट्स आए ठीक है इंडिविजुअली अगर उन्होंने कुछ पूछना है या उन्होंने कोई लेक्चर रिपीट करवाना है कोई इंडिविजुअल भी टेस्ट देगा तो वो मेरे लिए ठीक है, फिर आप लोग टेस्ट दे लें क्योंकि यही एमसीक्यूज यही क्वेश्चंस यही चीजें एक बंदा बनाता है वही रिपीट होती हैं ठीक है। टीचर आपसे एक और बात करनी थी कि हमें अभी स्टार्टिंग डेज में थोड़ी बहुत प्रिपेयर करनी है सब चीजों को, बाद में गैप नहीं होगा तो मैम अभी हम फार्मा को ना फिर पढ़े जब तक आप सिलेबस फाइनल नहीं करते। इतने दिन क्या नहीं करते मैम, जब तक आप सिलेबस फाइनल नहीं करती तब तक हम अब इस तरह स्टार्ट भी नहीं कर सकते फार्मा को। आप इम्यूनोसप्रेसेंट से पिछली तरफ की तरफ पढ़ती जाएं, आज आप इम्यूनोसप्रेसेंट रख लें, डायबिटीज है उसके अंदर देखें जो आपकी शुरू वाली चीजें हैं अगर आपकी वो नहीं भी आएंगी या उनमें से ज्यादातर जो है ना जो एमसीक्यूज नहीं बने जो आपका कोर्स नहीं इंक्लूडेड था पिछले टेस्ट में उसमें से ज्यादा आएगा, अगर दूसरे वाले में से थोड़ा आएगा उसमें से हो सकता है मैं तीन चार एमसीक्यूज बस दे दूं, हो सकता है पांच छह इससे ज्यादा अगर 40 एमसीक्यूज बनाने हैं तो फिर जाहिर है उनमें से भी कुछ देना पड़ेगा, हो सकता है कोई पिछला रिपीट हो जाए, हो सकता है जो ये आपके लेक्चर इन्हीं में से रिपीट होंगे इन्हीं में से आप ज्यादातर स्लाइड्स में से होता है तो आप पढ़ना तो शुरू कर दें उसको भी, आपका होगा सारा क्योंकि मिड है मिड ऑफ द अब उसमें पता नहीं 40 एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा है, या तो आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की ऑप्शन मैंने दी थी कि फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रख लें, उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स एग्री नहीं थे वो कहते हैं मैम हम लोग 1.5 साल के बाद दोबारा ऑन कैंपस मीट दे रहे हैं तो इसलिए वो थोड़ा हो रहा है। एक्चुअली अगर ये थोड़ा इजी हो जाएगा तो हम लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मतलब दोबारा एग्जाम ऑन कैंपस आकर हम लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा। और मैम देखें एक दिन में दो दो पेपर हैं तो किस किस चीज की तैयारी करेंगे हम, एमसीक्यूज करने शुरू कर दें प्रैक्टिस एमसीक्यूज की सारे क्वेश्चन, ये असल में एमसीक्यूज के लिए भी ना थॉरली पढ़ना पड़ता है, ये लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है। वो तो स्लाइड्स पढ़ लेंगे हम लोग थॉरली लेकिन पता है फायदा क्या होता है कि ये जो आपकी परसेंटेजेस होती है ना सेमेस्टर में लगी हुई
कि जैसे 10% असाइनमेंट थी तो ऑलमोस्ट सब ने ही उसमें अच्छा कर लिया, 15 में से 14 या थोड़ा ही कोई होगा जिसको 13 दे दिया, तो वो आपके नंबर वो काउंट हो गए। फिर आपका क्विज था वो भी ऊपर नीचे, मैंने उसका रिजल्ट भी बनाया हुआ है, तो सब ने ही बेहतर कर लिया। अच्छा उसमें भी ई बैच में से मेरे ख्याल में डी में तो कोई नहीं था, ई में दो लोग थे जिन्होंने जिनके नंबर शायद क्लिक ना होने की वजह से क्या वो नहीं आए, तो मैंने उनको ये भी ऑप्शन दिया है कि जिनके नहीं आए उनके फिर हम वाइवा के अंदर से मार्क्स उसमें लगा देंगे। इसी तरह ए बैच को मसला था उनके ज्यादा थे स्टूडेंट्स, तो फिर मैंने यही कहा था कि वाइवा। तो आप लोग के लिए ये जो अब जैसे मैं कोई छोटा मोटा अगर प्रेजेंटेशन के टॉपिक है, मैं तो ये चाहती कि प्रेजेंटेशन आप फेस टू फेस आकर दें, स्टूडेंट्स सुने और फिर वो सब पढ़ के जूम पर लाइव दें ताकि आप वो स्टूडेंट हर पीछे से ही लेक्चर फेस टू फेस भी आपको प्रेजेंटेशन दे देंगे। अब आपका कोर्स बहुत थोड़ा सा रह गया है ये जो लेक्चर्स हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे 20 लेक्चर्स हैंड ओवर किए थे, उसमें से भी कुछ ऐसे थे कि जो है मैंने कंबाइन करके दो पढ़ाए छोटे करके, तो काफी लेक्चर भी कम है आपका, तो अभी आपके पास टाइम भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको सैटरडे को बता दूंगी थोड़े थोड़े टॉपिक्स जो आप ज्यादा अच्छी तरह से देख लें, लेकिन एमसीक्यूज का फिर आप कह नहीं सकते कि इस स्लाइड में से एमसीक्यू नहीं आएगा या उस स्लाइड में से नहीं आएगा। हाँ जो वैल्यूज हैं डोजेज हैं ये थोड़ा मैं देखूंगी कि ये नहीं दूंगी उसके अंदर, ठीक है। जो इम्यूनोसुप्रेसिव वाला जो है वो लेक्चर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वाला बनता है ना, इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स भी थी आपकी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इम्यूनोसुप्रेसेंट पेशेंट्स में यूज होता है, इम्यूनोसुप्रेसेंट लास्ट लेक्चर था ना, इसलिए मैं कह रही हूँ पीछे से आप जाएं आगे की तरफ, ताकि जो पढ़े हुए हैं वो तो आप जल्दी गो थ्रू कर लेंगे, जो पीछे वाले वो ज्यादा जो नए पढ़ने वाली चीज होती है वो मुश्किल होती है। इम्यूनोसुप्रेसेंट मैंने आपको इम्यूनोसुप्रेसेंट तक कहा था, अब मुझे नहीं पता कहाँ पर है, कुछ कह रहे हैं 10 से पहले आती है इम्यूनोसुप्रेसेंट्स में, वो जो आपने आगे कहा था कि जी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह तो मैंने नहीं पढ़ाई थी आपको, ना उनके टेबल्स बताए थे, सिर्फ उसमें इन्फ्लिक्सिमैब थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि रूमेटाइड आर्थराइटिस पेशेंट में जोड़ों के दर्द में यूज होती है। बाकी मैंने आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का बताया था कि हाइब्रिड टेक्निक है जिसके थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है, उसमें 3-4 बातें बताई थी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन है, फिर उससे शुरू में जो थी वो ड्रग्स थी सिफेलोस्पोरिन वगैरह वो मैंने पढ़ाई थी, उनके मैकेनिज्म्स थे इम्पोर्टेंट, लेकिन ज्यादातर आप डायबिटीज इंसुलिन ये लो ये चीजें पढ़ लें, और उसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड्रोस्टोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का तो मैंने असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था, कुशन सिंड्रोम क्या होता है मैम, ये तो 10 लेक्चर ही बन रहा है इम्यूनोसुप्रेसेंट वाला। मैम आप काइंडली लेक्चर की ना एक नंबरिंग बता देंगे, इस नंबर से इस नंबर तक आपने लेक्चर्स करने हैं। मैं आपको ना आज या कल में टॉपिक ही लिखकर बता दूंगी, आप लोग का वो रह गया है पेपर बनाना, आज और कल में बना के मैं आपको टॉपिक ही लिख दूंगी LMS के ऊपर जी। मैम क्वेश्चन और ज्यादा टाइम इन पे ना जैसे ये मैंने वो जो आपको छोड़ दिया वो एक्सप्लेन करना, वो जो कैट का वो पूरा मैकेनिज्म था, इसी तरह जब मलेरिया पढ़ाया था तो एंटी मलेरिया ड्रग्स आपके इम्पोर्टेंट है, वो फार्माकोलॉजी है, ये जो बीच में साइकिल दिया हुआ है ये तो माइक्रोबायोलॉजी का है, ये तो पैरासाइटोलॉजी, अगर आप इसमें भी ये पढ़ेंगे तो फिर हम लोग साइकिल थोड़ी मतलब करेंगे कि वो कहाँ पे जा रही है, अंदर ब्लड में कैसे सर्कुलेट हो रही है, कहाँ पे जाके वो डिग्रेड हो रही है। अब हम लोग बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट जो मैंने आपको बताया था कि इसकी स्टेजेस होती हैं और वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो है वो स्लाइड्स बनाते हैं, थिक एंड थिन स्लाइड्स होती हैं इसकी, और वो आगे एक उन्होंने हिस्टो की वो बनाई हुई थी, तो मेरे जो हस्बैंड है वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट है, तो मैं जरा उनसे कंफर्म कर रही थी कि इसके वो थिक एंड थिन ही होती है ना, तो वो कहते हैं आप तो फार्मा पढ़ा रहे हैं तो फार्मा में जो है वो ड्रग्स होंगी, फार्मा में ये चीजें तो नहीं होंगी, ये तो सारे आपको माइक्रोबायोलॉजी भी बताइए, लेकिन शायद ये इसलिए बताइए कि थोड़ा सा बैकअप पर आप एक वो बन जाए कि भाई ये स्टेप में ये चीज हो रही है, ये स्टेप में ये ड्रग लग रही है, शायद उसकी वजह से, ठीक है। आप लोग ज्यादातर फोकस फार्माकोलॉजी पर क्या करें, उसकी ड्रग्स पर क्या करें, कि आपको अगर इन फ्यूचर कोई सॉल्ट
मिले तो आपको पता हो कि हाँ ये ड्रग ये थी, ब्रांड नेम से आप सर्च कर लें कि हाँ ये सॉल्ट है इसमें, अच्छा ये सॉल्ट था, तो ये चीजें हो रही थी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सैटरडे वाले दिन तक मैं आपका पेपर बना लूंगी, तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि उसमें जो है वो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है मैम, बेसिकली हमें लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 10 तक ही करना है ना? इम्यूनो सप्रेसेंट्स तक लेक्चर 10 है मेरे ख्याल से, 10 वाला नहीं है मैम, प्लीज कम कर दें। 10 के बाद आता है मैम, 12 वाला या 13। मैम लेक्चर थोड़े कम कर दें, प्लीज कम कर दें। वो जो है डॉक्टर अम्तुल्ला ने 5 टू 10 रखे मैम, 5 टू 10 कर दें, कोई इसमें नहीं रहने दे। डॉक्टर अम्तुल्ला ने 5 से 10 कर दें। ठीक है, मैं आज देखूंगी आपके, कल तक आपको बता दूंगी, LMS पर लिख दूंगी जो जो टॉपिक्स, क्योंकि हमने तैयारी भी करनी है, LMS पर लिख दूंगी। आप पीछे से पढ़ना शुरू कर दें, 5 से 10 कर दें मैम, 5 से 10। प्लीज क्विज वाले लेक्चर्स प्लीज ना निकालिएगा प्लीज मैम, 5 से 10 वाले मैम 5 से 10 कर दें मैम, 5 से 10 ठीक है मैम, बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है मैम। कुछ स्टूडेंट है वो कह रहे हैं क्विज वाले ना निकाले, कुछ कह रहे हैं क्विज वाले निकाले, कुछ कह रहे हैं शॉर्ट क्विज मैम, वो क्विज वाले जो थे वो बहुत आसान थे, सिलेबस ज्यादा हो जाएगा ना मैम 5 से 10 ठीक है मैम, 5 से 10 कर ले मैम। एमसीक्यूज आपके रिपीट हो गए या 2-3 एमसीक्यूज आ गए, तो वो क्विज वाला तो आपने पढ़ा हुआ है। यस मैम, मैम बस 5 से 10 रख लो, 5 से 10 कर दें, कुछ कह रहे हैं 5 से 5 नहीं निकालने मैम, दोनों ने 5 से ऑनवर्ड ही रखा है। ज्यादा इम्पोर्टेंट वो हैं जो अब आपके आएंगे नए जो पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन क्विज वाले आप एक दफा गो थ्रू कर लें। मैं आपको जो है वो आज LMS पर लगा दूंगी या कल लगा दूंगी कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पहले एक दफा पेपर तो बना लूं। ठीक है, लेकिन मैम 10 से ऊपर कोई लेक्चर नहीं छोड़ती। अब 10 मुझे कौन सा है वो आखिरी इम्यूनो सप्रेसेंट मैंने कहा था, वो कह रहे हैं कि 10th वो है टीचर, वो आपको एक दफा फॉरवर्ड कर देंगे एडमिन को कह के। क्या कर दें? लेक्चर फॉरवर्ड कर देंगे। आज लगा दूंगी लेक्चर भी, तो उसमें बिजी हो गई थी वो बनाने के अंदर जो पेपर था। ठीक है, आज आप लोग का मैं लेक्चर्स लगा दूंगी, कल तक लिखकर लगा दूंगी, क्योंकि जब पेपर बन जाएगा तो मैं बता दूंगी आपको कि ये कोर्स शामिल है, मिडवे मिड तक कोर्स शामिल होता है जो आपने पढ़ा हो। चलें, थैंक यू जी, ओके। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नो टीचर। चलें, थैंक यू जी।